और खबरों में आगे बढ़ेंगे। रामपुर के रण में आरएलडी अध्यक्ष और सपा प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार किया गया। उपचुनाव में गठबंधन की जीत का दावा किया गया है। जी यूपी उत्तराखंड से एक्सक्लूसिव बातचीत में जयंत चौधरी ने कहा कि तीनों जगहों पर गठबंधन की स्थिति मजबूत है और नतीजे इस बात को 8 दिसंबर को साबित करेंगे। आखिरी दिन है आज प्रचार का, आप रामपुर पहुंचे हैं चुनाव प्रचार के लिए, रामपुर मैनपुर खतौली कैसे देख रहे हैं सर? तीनों जगह मजबूती है गठबंधन के पक्ष में, किसान व्यापारी बेरोजगार नौजवान महिला सभी की वोट है, इन लोगों का इच्छा है परिवर्तन की तरफ, खतौली में वोट देना चाहते हैं और मैनपुरी और रामपुर में तो मजबूत सीटें रही हैं। सर आजमगढ़ के आजम खान के गढ़ में आए आप लोग, लेकिन आजम खान के खिलाफ फिर केस दर्ज हो गया विवादित बयानों को लेकर, उसे आप कैसे देखें? मैं तो सोचता था कोई धारा बची नहीं आईपीसी में, सरकार बहुत जालिम है लेकिन आजम जी बहुत हिम्मत वाले हैं, सब कुछ सहन कर रहे हैं अपनी जनता के। तो सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, सपा प्रत्याशी के समर्थन में चुनावी प्रचार करने के लिए जयंत चौधरी रामपुर पहुंचे हुए हैं। रामपुर में जयंत चौधरी की पूरी कोशिश है कि आसिम रजा के समर्थन में लोगों से ज्यादा वोट वो जुटा पाए।